नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दोस्तों, रोज हम लेकर आते हैं आपका दैनिक राशिफल, बताएंगे क्या नया होने वाला है आज आपके दिन में, आपका दिन अच्छा होगा, साथ ही क्या लाभ दिलाएगा, बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए, साथ ही क्या कहता है आज का आपका राशिफल, बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि, वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आप सभी पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल बस कुछ आसान से उपायों के साथ। बस आपको हमें कॉल करना है, हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं आपके सितारों के हाल और आपकी तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कपैदस्टी हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपकी ग्रहों की चाल, आपके सितारों की चाल। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे आज हमारी एक विशेष पेशकश मैं आपको देने जा रहा हूँ, वो भी जो घर में महिलाएं हैं जो अक्सर पार्लर का काम करती हैं घर के अंदर, तो उस पार्लर का वास्तु टिप्स क्या है, कैसे उस पार्लर को हम अच्छा चला सकते हैं, उसके बारे में भी आज मैं आपको बताऊँगा। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशि फल के साथ में। प्रथम जो राशि वह है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, ध्यान रखें कि प्रत्येक परेशानी का हल तभी मिलता है जब आप उस परेशानी को नकारने की बजाय पहले उसे स्वीकार करते हैं और फिर उसको समझते हैं। हर सिचुएशन में एक वरदान होता है, उसको पहचानने का प्रयास कीजिए। आज के दिन की सफलता के लिए चावल मूंग का दान अवश्य कीजिएगा। अगली जो राशि वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज बदलती हुई सोच के साथ में तालमेल बैठाना होगा। आप जिसे अपनी समस्या समझ रहे हैं, वही थोड़े समय बाद आपके जीवन में एक पॉजिटिव चेंज लाने वाली साबित होगी। आज के दिन की सफलता के लिए अनाथ आश्रम में दवाइयों का दान अवश्य कीजिएगा। अगली जो राशि वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज सारे काम आपके सोचे हुए ढंग से पूर्ण नहीं होंगे, इससे आपको परेशान नहीं होना है। जो हालात बन गए हैं या जो आपको दिख रहे हैं, उसमें से कोई रास्ता खुद ब खुद निकल आएगा, आप चिंता मत कीजिए। आज के दिन की सफलता के लिए तुलसी जी में जल का अर्घ प्रदान कीजिएगा, परिक्रमा कीजिएगा। पंडित जी, अक्सर देखा जाता है कि जब जब किसी की नौकरी नहीं लगती है तो व्यक्ति खुद तो परेशान होता ही है, उसके साथ उसके परिवारजनों को भी काफी परेशानी होती है। इसी समस्या के समाधान के लिए एक मेल हमारे पास आया था रोहित चंदेल जी का, जो कि अपने भाई गोविंद चंदेल के लिए जानना चाहते थे। ये बेसिकली झालावाड़ से हैं। पंडित जी, इनकी जन्म की तारीख है 14 सितंबर 1989, उनके जन्म का समय है रात का 9:30 का। और पंडित जी जानना चाहते थे कि इनकी नौकरी नहीं लग रही है, उनकी शादी नहीं हो रही है गोविंद चंदेल जी की, तो उनके बारे में जानना चाहते थे, उसके लिए कुछ समाधान आपसे। देखिए, जो आपके ब्रदर की जन्म कुंडली आपने भेजी है, उसमें दो समस्याएं हैं। पहली समस्या तो ये है कि इनकी जन्म कुंडली के अंदर राहु चंद्रमा का चंद्र ग्रहण योग बना हुआ है। ये जो ग्रहण योग होता है, ये अक्सर इंसान को हर काम में रुकावट ला के देता है। ऐसी बात नहीं कि कुंडली में कोई कमी हो, नौकरी के घर का जो स्वामी है शनि जो है वो भाग्य स्थान में बैठा है और विवाह के घर में शुक्र स्वग्रही होकर बैठा है। समस्या जो है, एक तो चंडाल योग बनाते हुए सर्पदोष, कहीं ना कहीं ये जो चंडाल योग बनाते हुए जो सर्पदोष है, उसके कारण भी इनके सभी कार्यों के अंदर रुकावटें आ रही हैं। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि तुरंत प्रभाव से आपको इनके कालसर्प दोष की पूजा करवानी है। वो भी आसपास में कहीं संभव नहीं हो तो आपको नासिक या उज्जैन में जाके ही इस पूजा का पूर्ण विधान बताया गया, वहाँ पे इस पूजा को करवाना। नियमित रूप से पानी के मटके के पास में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक घर में अवश्य जलाया करिए, उससे काफ़ी फायदा होगा। लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण करवा दीजिए। निश्चित तौर पर इसी वर्ष में विवाह का भी योग बनेगा और नौकरी का भी योग बनेगा। पंडित जी, अभी के लिए हरियाणा से भी एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, सुमन जी हैं, जो कि अपने बेटे कपिल के लिए जानना चाहती हैं। कपिल के जन्म की तारीख है 23/8/1992, उनके जन्म का समय शाम का 7:25 का। सुमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। जय श्री कृष्णाचार्य जी। जय श्री कृष्णा।
आचार्य जी, मैं अपने बेटे की जॉब के बारे में पूछना चाह रही हूँ। मैं 16 तारीख को भी किया था तो मेरे में लाइट भी नहीं थी, मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं सुन नहीं पाई थी। अभी क्या कर रहा है बच्चा? वो अब पीटी, वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल का क्लियर कर लिया उसने टेस्ट। अच्छा, तो अब 29 फरवरी को उसका इंटरव्यू है, वो इंटरव्यू में रह जाता है, पिछली बार भी किया था तब भी रह गया। अच्छा अच्छा, तो मैं चाहती हूँ मैं जॉब मिल जाए उसमें, इसको क्या करना चाहिए मुझे? जी बिल्कुल बता देता हूँ। देखिए सुमन जी, वैसे आपके बच्चे की जन्म कुंडली बहुत अच्छी है, अच्छी इन द सेंस ये है कि गुरु की महादशा इस बच्चे को चल रही है और उसमें भी शनि का अंत है। शनि इसकी जन्म कुंडली में स्वग्रही होकर बैठा है, सूर्य और गुरु का कॉम्बिनेशन एक साथ में है। कुंडली ये कहती है कि इसी वर्ष में अगस्त 2016 के पश्चात में, इस साल में जुलाई अगस्त के पश्चात में इसकी सरकारी नौकरी लगेगी 101%, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक तो इसको बोलिए कि नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करे, हो सके तो 7 बार, नहीं तो कम से कम 3 या 5 या 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करे। दूसरी जो काम करना है वो काम आपको ये करना है कि इसकी, चूंकि इसकी जन्म कुंडली के अंदर राहु की एक समस्या है जो कि कहीं ना कहीं भाग्य में एक एक दो दो नंबर से रुकावट वाली जो स्थिति को पैदा कर देता है, तो राहु की शांति के लिए आप रविवार के दिन पास में अगर कोई आपके भैरव जी का मंदिर हो, भैरव जी का कोई स्थान हो, तो वहाँ पे आपको एक दाल की कचौरी, दही और इमरती चढ़ानी। संभव नहीं हो, वहाँ पे स्थान नहीं हो, तो कोई कुत्ता दिख जाए, चाहे रंग कोई सा भी हो, उसको भी आप एक कचौरी में थोड़ा सा दही डाल के उसके खाने के लिए बाहर रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं वो खाए नहीं खाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप छोड़ दीजिए। और इसको बोलिए तैयारी में जुट जाए, आने वाला जो समय है निश्चित तौर पे इस वर्ष में इसको सरकारी नौकरी की प्राप्ति करवाएगा, हमारा शुभ आशीर्वाद। पंडित जी, अभी के लिए श्रीगंगानगर से भी एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी है, रागिनी राजरानी है माफ कीजिएगा, जो कि अपने भाई सुनील के लिए जानना चाहती है। सुनील जी की जन्म की तारीख है 15/12/1990, उनके जन्म का समय सुबह का 4:10। राजरानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ, वो तैयारी बहुत कर रहा है, उसे नौकरी नहीं मिल पा रही है। देखो राजरानी बेटा, बच्चे की जन्म कुंडली में गुरु उच्च का होके बैठा है, आरएस ऑफिसर, कलेक्टर, ऐसे योग हैं इस बच्चे की, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो समस्या है वो ये है कि इस बच्चे की जो जन्म से जो राशि है वो वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि पर शनि की 7.5 चल रही है, चंद्रमा नीच का होके बैठा है। तो सबसे पहला काम तो ये करना है, एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में इसको धारण करवा दीजिए जो खुला हुआ नहीं हो। सूर्यास्त के बाद में दूध, दही, चावल जैसी सफ़ेद चीज़ों का सेवन बंद करवा दीजिए। और तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि नियमित रूप से 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ, और विशेषकर सोमवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना है, सरसों के तेल का दीपक जला के। उससे निश्चित तौर पे इस बच्चे को फायदा होगा और नौकरी के क्षेत्र में स्थिरता आएगी। जहाँ तक कुंडली ये कहती, 5 जून 2016, इसी वर्ष 5 जून के पश्चात अगले जून के बीच में जो भी रिजल्ट आएंगे जून 2017 के बीच में, वो इसके फेवर में होंगे। सरकारी नौकरी का पूर्ण योग है, अफसर बनने का पूर्ण योग है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी समस्याओं के समाधान जानना चाहते हैं पंडित जी से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी है, दिव्या है सरदार शहर से, जो कि अपने भाई मयंक के लिए जानना चाहती है। मयंक की जन्म की तारीख है 17/2/1995, उनके जन्म का समय है 1:29 का। दिव्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। जी, मैं अपने भाई के लिए पूछना चाहती हूँ कि ना उसका आगे आने वाला जो फ्यूचर है, उसमें जॉब के लिए कोई सरकारी चांसेस है या फिर प्राइवेट में किस स्कोप के लिए चांसेस है? अभी क्या करता है बेटा? अभी तो वो बीकॉम फाइनल में है। देखो दिव्या, वैसे जहाँ तक आपका प्रश्न है कि सरकारी नौकरी के इस बच्चे के चांस है या नहीं, निश्चित तौर पे इस बच्चे की सरकारी नौकरी के चांस है, लेकिन सन 2018 में, 2 साल पश्चात में, यानी दिसंबर 2017 के पश्चात में जो समय आएगा उसमें इसके सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। दो समस्याएँ इसकी जन्म कुंडली में, पहली समस्या तो ये है कि इसकी जन्म कुंडली में मंगल जो है वो नीच का होके बैठा है और मंगल की ही महादशा चल रही है। कोई ग्रह नीच का होता है तो नकारात्मक परिणाम देता है, तो एक तो इसको बोलिए कि नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना करेगा, हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, कोशिश करके मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करेगा। दूसरी जो समस्या है वो इसके भाग्य स्थान में सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन है।
सूर्य शनि जब साथ हो जाता है तो पितृदोष बन जाता है। पितृदोष का मतलब यह है कि आपके पिता के तरफ के तीन पीढ़ियों में किसी की अकाल मृत्यु हुई हो तो निश्चित तौर पर इस बच्चे पे पितृदोष आ चुका है। तो इसके पिता को अधिकार है इसके पितृदोष की पूजा करने का, तो अपने पापा को बोलिएगा कि इस बच्चे के नाम से पितृदोष की पूजा अवश्य करवा लीजिएगा। जब तक वो पूजा नहीं हो तब तक आप अपनी मदर को बोलिएगा कि जहाँ पानी का मटका भर के रखते हैं वहाँ पितरों के नाम का शुद्ध देशी घी का दीपक अवश्य जला के रखें, उससे इसकी बच्चे की जन्म कुंडली में जो पितृदोष है उससे शांति मिलेगी। हनुमान जी की आराधना इसको अवश्य करनी है, ध्यान रखिएगा, और एक बार इसके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में साल में एक बार करवा दीजिए तो इसकी लाइफ में करियर में स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी है, रेखा जी हैं भीलवाड़ा से, जो कि अपने हस्बैंड राकेश जी के लिए जानना चाहती हैं। रेखा जी, अपने हस्बैंड की सबसे पहले जन्म की तारीख बताइए, फिर जन्म का समय बताइए, फिर अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। हेलो जी रेखा जी, पंडित जी ने अपने हस्बैंड की जन्म की तारीख और जन्म का जो समय है वो पता नहीं है। रेखा जी अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा जी, मैं अपने पति के बारे में जानना चाहती हूँ, इनके डेट ऑफ बर्थ मेरे ध्यान में नहीं, नाम से जानना चाहती हूँ। क्या क्या पता करना है बेटा बताओ। इनके करियर के बारे में पूछना चाहती हूँ, जो लाइटिंग का काम करते हैं ना तो इनको कुछ बरकत नहीं मिलती है। किस चीज का काम करते हैं? लाइट फिटिंग का। लाइट फिटिंग का, कहाँ? भीलवाड़ा में ही? हाँ भीलवाड़ा। अच्छा, आपका किराए का मकान है खुद का मकान है? नहीं, मकान तो खुद का ही है। रसोई में जब आप खाना बनाते हो तो आपका मुख किधर रहता है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण? पूरब दिशा में रहता है। ठीक, देखो बेटा मैंने अभी इनकी प्रश्न कुंडली बना दी है राकेश जी की, इनकी जन्म कुंडली के हिसाब से, प्रश्न कुंडली के हिसाब से गुरु राहु का चंडाल योग इनके नौकरी व्यापार के घर में बना हुआ है। ये गुरु राहु का चंडाल योग है, ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं इनके काम में, कार्य क्षेत्र में हमेशा उतार चढ़ाव इनको देखने को मिलेगा। तो अपने हस्बैंड को बोलिए कि एक तो पहला काम ये करें कि इस राहु की शांति के लिए इनको रविवार के दिन कोई पास में भैरव जी का मंदिर हो तो वहाँ दर्शन करना है, दाल की कचौरी, दही और इमरती चढ़ानी, एक गोमेद रत्न आता है वो मध्यमा उंगली में इनको धारण कर लेना है, 1.25 रत्ती का या 1.75 रत्ती का, ज़्यादा महंगा नहीं आएगा, 800-1000 रुपये का स्टोन आता है चांदी के अंगूठे में, रविवार के दिन इनको धारण करवा लीजिएगा। और घर से जब ये निकले तो एक रोटी साथ में लेके निकले और जो पहली गाय दिखे उस गौ माता को रोटी खिला दें, और आप शुक्रवार के दिन आपकी जो घर की छत है वहाँ पर कौओं के लिए कुछ भी मीठा बना के रखिए। निश्चित तौर पे जो सरल से उपाय करेंगे तो उनसे इनका बंद पड़ा व्यवसाय जो है वो भी चल निकलेगा और जो काम में रुकावटें हैं वो भी बंद होंगी। चलिए दोस्तों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ खास है आज कर्क सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज किसी भी सिचुएशन को अनदेखा करने का प्रयास मत कीजिएगा, दूसरों की बातों में मत आइएगा, अपनी सोच और समझ से भी काम में लीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए छोटे बच्चों को अमरूद के फलों का दान अवश्य कीजिएगा। अगली जो राशि वह है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन आपको फाइनेंशियल कुछ लॉसेज होने की संभावना है, सोच समझ कर ध्यान से की गई तैयारी आपके लिए फलदायक रहेगी, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट मत कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए मंदिर में मटके का दान अवश्य कीजिएगा। अगली जो राशि वह है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपने तनाव को कम करिएगा, अपने भगवान पर, ईश्वर पर भरोसा रखिए कि जो हो रहा है वो आपकी भलाई के लिए हो रहा है, निश्चित तौर पर आपको आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। आज के दिन की सफलता के लिए हनुमान चालीसा का सरसों के तेल का दीप जलाकर पाठ कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं गुड लक टिप्स में।